आप ये बताइए, आपने ऐसा क्यों कहा कि रिपोर्ट अगर हमने देख ली तो जया और जया के रिश्ते पर खतरा आ जाएगा? ईश, मैंने बोला था? नहीं नहीं नहीं, आपने मुझे नहीं कहा है। आप आपस में बात कर रहे थे, वो मैंने सुना, क्योंकि आपका मोबाइल चालू था। लेकिन मैं जानता हूं आपने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि आपने ऐसा सोचा कि अगर आपकी बीमारी ठीक नहीं हुई तो परेशान होकर जया और मैं आपको और आपके परिवार को छोड़ के यहां से चले जाएंगे। देखिए प्रेमचंद जी, ये तो अमीर लोगों में होता है, ये गरीबों में नहीं होता है। आपने ऐसा कैसे सोच लिया हमारे बारे में? सही सही कान पकड़ा आपने मेरा लोखंडे जी, मैंने गलत सोचा। अरे नहीं नहीं, आपकी माफी मांगता हूँ मैं। नहीं नहीं प्रेमचंद जी, छोटे छोटे घरों में ऐसी बड़ी बड़ी बातें होती रहती है, छोड़ दो। लिए तो बहुत अच्छा हो गया समदन जी, आपका पुण्य काम आ गया और ये संकट टल गया। भाई साहब, आज तो संकट टल गया, पर तब क्या होगा जब मैं नहीं रहूंगी? तब क्या होगा जब मैं तुम सबको छोड़कर चली जाऊंगी? माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? आप हमें छोड़कर कहाँ जा रही हो? जया, एक ना तो एक दिन सबको जाना है। मैं कोई स्पेशल इंसान हूँ क्या? मुझे भी तो ऊपर भगवान के पास जाना है। ओके। अरे समदन जी, शुभ शुभ बोलिए, ऐसा मत बोलिए। हाँ, आपकी दुआओं की सबको बहुत जरूरत है। जी बिल्कुल सही कहा आपने बाबा, माँ की दुआओं की और दुआ में मिली इस माँ की, इस घर को बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है। हाँ हो गया? हाँ हो गया। अब एक एक करके सारे जोर जोर से पढ़ो। ओके, ऑल द बेस्ट। मैं कंगना कालिया कि मैं आज के बाद हमारी प्यारे मालपानी जी की अकल पर कोई भी सवाल उठाने से पहले 100 बार अपनी शक्ल देखूंगी। सुपर, वेरी गुड। अब तुम्हारी चांस, गेट अप। प्रिय मालपानी मैडम, मैं उर्मिला आपको ये लिख कर देती हूँ कि मैं आज के बाद आपको आपके सामने कभी एड़ी नहीं बोलूंगी। अच्छा, पीछे से एड़ी बोलूंगी। अंकल। ए, डैड। सिट डाउन। थैंक यू। नाउ योर टर्न पीसी। गेट अप प्लीज। यस यस यस। मैं परमवीर चोपड़ा अपने पूरे होश और हवा से ये कह रहा हूँ कि मैं मालपानी के IQ के बारे में कभी कोई सवाल नहीं उठाऊंगा, और कोई अगर उसके IQ के बारे में सवाल उठाएगा तो मैं उसे रोक दूंगा। Good. मैं तुम्हारी हर बात पर क्या बोली नहीं कहूंगा, इनफैक्ट मैं तारीफ करूंगा और ये कहूंगा कि वाह क्या बोली क्या बोली। अरे वाह, वेरी नाइस। हाँ, क्या बात है, बहुत बढ़िया अंकल। नाउ जय, योर टर्न। अरे जय, यू स्पीक। मैं जय परमवीर चोपड़ा ये लिख कर देते हुए कबूल करता हूँ, आज तक मिस मालपानी ना आप मेरी समझ में आई है और ना मेरे दिल में, लेकिन आज आपकी समझदारी से आप हम सबके दिल में हमेशा हमेशा के लिए बस गई है। वाह 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 वाह, सही बोल। मेरे झूठ के बलबूते पर हुई मेरी शादी ने मुझे कुछ झूठे रिश्ते दिए हैं जो अब मुझे सच्चे लगने लगे हैं। वाह। माना कि ये रिश्ते थोड़े थोड़े कहीं कहीं पर कच्चे हैं, लेकिन इन्हें पक्का करने की जिम्मेदारी आज से मैं लेता हूं। इन्हें मैं पूरा करूंगा। मैं मिस मालपानी, ये मेरा वादा है। वाह
जय, तुम्हारे ये सच्चे दिल ने ही मुझे थाईलैंड जाने से रोक लिया। तुम्हें पता है मैं फ्लाइट में बैठ चुकी थी और टेक ऑफ भी करने वाली थी, पर गुड्डी और डुगू ने मुझे रोक लिया। गुड्डी और डुगू, ये कौन है? जय के होने वाले बच्चे। ओह सॉरी। पता है मैंने क्या सोचा? हाँ। कि अगर मैं थाईलैंड चली गई तो जय की शादी टूट जाएगी, और अगर जय की शादी टूट गई तो उसके बच्चे नहीं होंगे, गुड्डी और डुगू नहीं होंगे, और कौन मुझे तोतले वैसे बोलेगा कि आप मेरे पहले बर्थडे पे कभी आओगे। इसलिए मैं थाईलैंड नहीं गई, मैं वापस आ गई। अरे यार कहाँ फंस गया मैं, ये तो मौत का करंट लग रहा है। इसके एक झटके से मुझे 100-100 फटके लगेंगे। क्या करूं यार, क्या करूं? सुषमा, मैं क्या बताऊं कि मैं इस वायर के झटके से नहीं, तुम्हारे प्यार के झटके से ठीक हो जाऊंगा। बस तुम मेरे पास बैठी रहो, फिर देखना मैं यूं चुटकियों में चलना फिरना दौड़ना शुरू कर दूंगा। इस वायर को हटा दो ना, करंट वारंट का कुछ नहीं है, प्लीज। नहीं दीपक, तुम्हारी ये हालत मेरी वजह से हुई है। तुम्हें जरा सा भी एहसास नहीं कि जब मैं तुम्हें इस व्हील चेयर पर देखती हूँ तो मेरे दिल पर क्या गुजरती है। मैं हर वो मुमकिन कोशिश करूंगी जिससे तुम्हारा ठीक होने का जरा सा भी चांस हो। अरे यार ये करंट दिलवा के रहेगी, अभी भी मौका है, भाग ले। भाग जा। तुम बस पागल करेगा जो भाग जाता भागो। मालपानी, हमने जब तुमको फोन लगाया तब तुम्हारा आउट ऑफ कवरेज एरिया आ रहा था, और जो औरत बोल रही थी वो थाईलैंड की भाषा में बोल रही थी। हाँ, हाँ, पता है मेरा फोन ना प्लेन में ही रह गया। अब मैं भूल गई थी अपना फोन प्लेन में, इसलिए वो थाईलैंड चला गया, इसके लिए वो थाईलैंड वाली भाषा में बोल रहा था। मैंने ये सोचा कि अगर मैं थाईलैंड नहीं गई तो क्या हुआ, एटलीस्ट मेरा फोन तो चला गया। मिस मालपानी, अगर आप इतना सब कुछ कर रही थी तो फिर ये ब्लड रिपोर्ट की हेरा फेरी आपने कबर कैसे की? हाँ बताती हूँ। मिस मालपानी, हम आपकी टीम में हैं, हाँ ये भूलना मत, हम सबको शॉर्टकट में जल्दी। आचार्य जी, ये तरीका मुझे थोड़ा खतरनाक लग रहा है। हाँ। इससे दीपक ठीक तो हो जाएगा ना? अरे नहीं नहीं सुषमा, टेंशन की कोई बात नहीं, ऐसे झटके तो मैंने कितने मरीजों को दिए हैं, और जैसे ये झटके लगे हैं मरीज उठ के दौड़ने लगे हैं। देखो दीपक, अभी तुम्हारे प्यार की इम्तिहा है, अगर सच्चे मन से प्यार करते हो तो ये झटका खा लो और हंसते हंसते बोलो मैं चल सकता हूँ। ओम विद्युत प्रवाह आयुष्य संपूर्ण आरोग्य आरोग्य वही वही आरोग्य संपूर्ण। अरे इसमें तो करंट है, तो फिर इतनी आसानी से इसने इतना झटका कैसे खा लिया? मैं ना अपने फैमिली डॉक्टर के पास गई और मैंने उसको बोला कि ब्लड रिपोर्ट ऐसी बनाओ जैसे हमारी फैमिली। जैसी हमारी फैमिली मतलब? मतलब जो है झूठी पर लगे सच्ची, तो रिपोर्ट तो थी झूठी पर जैसे असली बीमारी में होती है ना बिल्कुल वैसी ही थी। फिर मैंने लैब बॉय पे ना नजर रखी और जिस कलर की फाइल में उसने रिपोर्ट डाली थी ना, मैंने वैसी ही कलर की फाइल मंगवाई, और जैसे ही वो फाइल लेके मोहल्ले पहुंचा। भैया जी, यहाँ लोखंडे जी का घर कौन सा? लोखंडे जी का वो सामने। थैंक यू। सॉरी सॉरी, अरे
मैं तो अपना बैग उठा रहा हूँ। एक तो धक्का मारती हो, ऊपर से पैर भी नहीं छूते हो। आयो राम स्वामी कोची केरलम नार निंद कुरु। माफ कीजिएगा, मुझे मद्रासी नहीं आती। हाँ तो मुझे कहाँ आती है? आयो इतना मोटा मोटा चश्मा पहन के इतना बड़ा बड़ा इंसान को धक्का मारते है। पर चश्मा तो आपने पहना। वो मैं लोखंडे जी का घर ढूंढ रहा था। अच्छा वहाँ है। कहाँ? अयो जीपीएस डिसेबल्ड, वहाँ वहाँ। ठीक है मैं खुद ही ढूंढ लूंगा। अरे वाह वाह मिस वालपानी, क्या बात है, मस्त है, कमाल कर दिया। और सच में मिस वालपानी, आपने जो कुछ भी किया है उसके लिए तहे दिल से थैंक यू। लेकिन लेकिन मिस मालपानी, हम कोई भी सिचुएशन को लाइटली बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं। हमने अगर एक भी गलती की ना, हमारे सारे के सारे राज बाहर आ जाएंगे। जय, तुम ना ये छोटी मोटी प्रॉब्लम मुझ पे छोड़ दो और तुम सिर्फ गुड्डी और डुगू के बारे में सोचो। जय, तुमने दिल खोल कर इसकी तारीफ की है। हाँ। मुझे एक ही डर सता रहा है कि कहीं ये मुंह खोलकर हमें वापस फंसा ना दे। पीसी, सॉरी सॉरी। ओम विद्युत प्रवाहे आरोग्य संपूर्णम। नाय नाय नाय। अरे ऐसे कैसे हो रहा है, मेरी तो समझ में नहीं आता है ये। दीपक, तुम खड़े हो गए। मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया। मैं तो बिल्कुल खड़ा हो गया अपने पैरों पे। मैं तुम्हें छू सकता हूँ, मैं तुम्हें हक कर सकता हूँ। तुम्हारे प्यार ने मुझको ठीक कर दिया सुषमा, देखो मैं अपने पैरों पे खड़ा हो गया। मेरे प्यार ने तुम्हें ठीक नहीं किया है, तुम्हें आचार्य जी के तार ने ठीक किया है। दीपक अब तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो, हम अब घर जा सकते हैं। हैं? ओ या मान, ओ या मान। अरे यार ये फसल मैन और छठी फेल, अब इनकी खैर नहीं, सब मेहनत पानी में चली गई, करंट भी खा लिया और अफेयर भी नहीं शुरू हुआ, अब घर जाना ही पड़ेगा। पिताजी ये लीजिए। वाह पूरिया पूरिया। मुझे पता है मेरे ठीक होने की खुशी में आज पूरिया बनाई गई, और इन पूरियों को मैं नहीं खाऊंगा तो और कौन खाएगा। दो बेटा दो। हाँ दी ना। दो पूरिया दो। पिताजी की रिपोर्ट अच्छा है ना, तो उस खुशी में कुछ ज्यादा ही खा रहे हैं। हाँ पिताजी। रिपोर्ट आए नहीं, लाए। क्या लाए? भगवान लाए, भगवान लाए। पिताजी का इस तरह से ठीक होना वो तो भगवान के ही हाथ में ना, तो इसीलिए माँ कह रही थी कि अच्छे रिपोर्ट्स भगवान ने लाए हैं। ये तुमने सही कहा बेटे। टेंशन जी कितना हंसता खेलता परिवार है। जी जी। और आपके रिपोर्ट्स भी अच्छे आ चुके हैं। तो अभी आप दो नहीं और तीन पूरी खा सकते हैं। तीन ली है मैंने। खाइए खाइए। काका। अरे आ गया। आ बेटे। मेरा बेटा आ गया। मेरे बच्चे। कैसा है तू? मस्त। काका मुझे आपको एक बात बतानी है। काका कल मैंने ज्ञानचंद जी का प्रवचन सुना, क्या अच्छा बोले वो। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है, इस महापुरुष का ज्ञान पाने के लिए तरस रहा हूं मैं। कितने दिन हो गए उनका प्रवचन सुने। आप
चिंता मत कीजिए काका, ये शकू मौसी है ना। मैं कल प्रवचन सुन रहा था ना, तो ये शकू मौसी ने है ना जाके प्रवचन देखा भी और सुना भी। तो जब भी प्रगति आएगी ना, तो इसमें से वो कार्ड निकाल के कंप्यूटर में देख लेना आप। काका आप भी सुन लेना और प्रेमचंद जी भी सुन लेंगे। काका ये क्या, प्रेमचंद जी खाना खा रहे? सुधाकर भैया, पिताजी के रिपोर्ट्स ना एकदम क्लियर आए हैं, उन्हें कोई बीमारी नहीं है। ऐसा कैसा? अरे बीमारी का तुझे पूछ के आएगी, चुप बैठ। अरे नहीं नहीं काका, मैंने शकू मौसी को भेजा था प्रेमचंद जी को देखने। ए, शकू मौसी क्या बोल रहा है तू? प्रेमचंद जी आप पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। अगर वो ठीक हो चुके हैं तो बार बार बेहोश क्यों हो रहे थे? मैं बिल्कुल नहीं सुधाकर, तुम लोग कुछ भी यार। अरे नहीं नहीं सच में प्रेमचंद जी बेहोश हो रहे थे और ये फिर से आप शक कर रहे हैं सुधाकर जी। बाबा ये फिर शक कर रहे हैं, देखो। हाँ हर बार तुम्हें शक होता है और हमें कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है। हाँ? जी मनाना पड़ता है, मनाना पड़ता है। सुधाकर जी को शक होता है ना, फिर वो बात किसी की सुनते नहीं ना मानते, तो हमको मनाना पड़ता है उनको। ऐसा लेकिन वो सच में बेहोश हो रहे हैं। सुधाकर भैया वो गोलियां ही ऐसी थी जिससे पेशेंट को ना बहुत नींद आए। जया मैं भी यही कह रहा था आपको, सुधाकर जी इंसान को नींद आती है और बाबा सुधाकर जी कहते कि इंसान बेहोश है। बताओ सुधाकर बस आता है। अरे तसे नहीं गप्प बस, चुप बैठ। ठीक है काका मैं चुप रहूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा। कल प्रगति आएगी ना तो इसमें से कार्ड निकाल के ज्ञानचंद जी का प्रवचन भी देख लेना और प्रेमचंद जी बीमार है ना वो भी देख लेना। ये शकू मौसी सब सच बताएगी। कैसे सब सच बोलेगी? अरे सुधाकर बेटा अब ये छोटी सी गाड़ी क्या कहेगी, हम सब कह रहे हैं ना कि बिल्कुल ठीक है। अरे बहन जी ये गाड़ी मामूली नहीं है। अच्छा ये मेरी एक शिष्या है उसने बनाई है, इसके आगे कैमरा बिठाया हुआ है। और ये छाया चित्रण करता है। छाया चित्रण को क्या बोलते रहे? वो शूटिंग, शूटिंग शूटिंग होता है ना, वो शूटिंग करता है ये कैमरा और अंदर रिकॉर्ड हो जाता है। ये जो गाड़ी है ये अगर रेल की पटरी पर रखेंगे तो रेल की पटरी में जो दोष है वो पहले ही बताएगी। ऐसे कितने सारे फायदे हैं इस गाड़ी के। है फायदे तो है, इसमें कैमरा लगा हुआ है। ये क्या कैमरा लगा है, अंदर रिकॉर्ड भी हो जाता है और बाद में इसका कार्ड निकाल के वो कंप्यूटर में डाल देंगे तो जो रिकॉर्ड हो चुका है वो हम देख सकते हैं। अच्छा मर गए क्या? कर गए, आजकल के बच्चे देखो कितना अच्छा काम कर गए। अरे कहीं गए नहीं है, यही है मेरे आश्रम में। बाकी बच्चों की तरह विदेश में नौकरी करने के लिए नहीं जाते मेरे शिष्य, यही रहते हैं और देश की सेवा करते हैं। अपन दोनों का भाई बहन का रिश्ता झूठा ही से, हाँ? वो पगड़ी वाले अंकल को दिखाने के लिए अपन ये सब कर रहे हैं। मैं गरीब बनते बनते पैदा हो चुकी हूँ, मेरे लिए इटालियन फूड बनाओ और मेरा फेवरेट वाइन। इतना बड़ा कीड़ा! तू चल रही है बिना ड्राइवर के और मैं चल रही हूँ बिना वर के। तू चलती है पेट्रोल पर और मैं चलती हूँ इस पेट्रोल पर मेरी वोडका। ए भगवान, सुधाकर ये गाड़ी लेकर हर जगह मंडरा रहा था। मारे गए, मारे गए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।